हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। आज मैं जो है एमडीयू का 2019 का फिजिक्स का एग्जाम का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रही हूँ, उसका सेकंड पार्ट डाल रही हूँ। लास्ट लेक्चर मैंने पार्ट वन डाला था। सबसे मेन आपकी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम एमडीयू में एंट्रेंस के लिए आप टिप्स डाल दीजिए, या जो है किस तरह से हम एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जल्द ही एक वीडियो अपलोड करूँगी और उसमें जैसे जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, पिछले पेपर्स देखे हैं और जितना मुझे आइडिया है उसको लेकर मैं वीडियो अपलोड करूँगी। उसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या क्या क्या क्वेश्चन यहाँ इस टॉपिक से बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। तो आप टच में रहना, इसका सॉल्यूशन डाल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट अस टेक टू सब सिस्टम A1 एंड A2 इन जनरल कॉन्टैक्ट द मोस्ट जनरल थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम रिलेशन फॉर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज D = TdS - PdV + μDN. सबसे पहले ये तो केमिकल चेंज की वजह से आ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन दोनों में जो है चेंज होंगे या नहीं, वहाँ से ये फैक्टर आ रहा है μDN, वेयर म्यू केमिकल पोटेंशियल, dN क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सिस्टम्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स क्या कहता है, जितने आप हीट सप्लाई करोगे किसी सिस्टम को, कुछ तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, कुछ वर्क डन होगा, DU + PdV। सो यहाँ से DU क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, DQ - PdV। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है, DQ क्या होता है, T into TdS - PdV। सो ऑप्शन क्या हुआ, TdS - PdV + μDN, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें आया है, आप ध्यान से देखिए। कार्नोट इंजन है, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है किसी रिजर्वायर से कितनी, 1 MJ एट 350 डिग्री सेल्सियस एंड एग्जॉस्ट हीट टू ए रिजर्वायर एट 150 डिग्री सेल्सियस। द वर्क डन बाय द इंजन इज 2.6 × 10⁶ जूल, 2.6 × 10⁵ जूल, 1 × 10⁶ जूल, 1.6 × 10⁵ जूल। ये कार्नोट इंजन का क्वेश्चन है, इसमें या तो एफिशिएंसी भी पूछी जाती है, पिछले पेपर्स के सॉल्यूशन मैंने डाले हैं वहाँ आपने देखा होगा कि एफिशिएंसी पूछी जाती है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला जस्ट होता है 1 - T2/T1, और अगर परसेंटेज में पूछी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे Q1 हीट है, क्या है क्वेश्चन में मैंशन, जब वो एब्जॉर्ब कर रहा है इतनी हीट को किस टेम्परेचर पर, 350 डिग्री सेल्सियस पर। T1 क्या है, 350 नहीं है, इसको आप केल्विन में चेंज कीजिए, 300 + 273 केल्विन, 573। जब भी आपके पास डिग्री सेल्सियस में हो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट कीजिए। T2 क्या है, 150 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 ऐड कीजिए, क्या बन गया, 423 केल्विन। अब हमें ये रिलेशन पता है, Q1/T1 दैट इज इक्वल टू Q2/T2। Q1 T1 आपको गिवन है 573, T2 आपको गिवन है 423। यहाँ से आपको Q1 पता है क्या है, 10⁶ जूल, जो कि मेगा जूल में गिवन थी। सो Q2 क्या आ जाएगा, 423/573 × Q1, दैट इज़, यहाँ मैंने वैल्यू अभी सब्सटीट्यूट नहीं की, 0.73 रेशियो आ रही है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 - Q2, Q1 - Q2 की वैल्यू है 0.738 × Q1। Q1 कॉमन निकालिए, 1 - 0.738 दैट इज़ इक्वल टू 0.262 Q1, और Q1 की वैल्यू थी 10⁶ में, तो आंसर आ रहा था 0.26, और यू कैन से 2.6 × 10⁵ जूल। कौन सा ऑप्शन हुआ इसमें, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। ध्यान रखिए वर्क डन का फॉर्मूला निकालने को आए, वर्क डन निकालने को आए तो Q1 - Q2, या तो आपको यहाँ से इस रिलेशन को याद रखिएगा, या तो Q1 को निकालने को बोला जाएगा या Q2 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर में आ जाता है आपके पास। रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगी, अगर उसका जो है प्रेशर टेम्परेचर दोनों हाई हो, प्रेशर टेम्परेचर दोनों लो हो, प्रेशर एंड टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई हो टेम्परेचर लो हो, या प्रेशर लो हो टेम्परेचर हाई हो, तो क्या होगा, लो प्रेशर रहेगा और टेम्परेचर हाई रहेगा, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी है मेटल की विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज A T³ A × T^3/2 A × T^2½। जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है आपका हीट कैपेसिटी में, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यू कैन से A T। इसी तरह से लैटिस की वजह से जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होता है प्रोपोर्शनल टू T³, और यू कैन से B × T³। तो ओवरऑल आपके पास हीट कैपेसिटी पूछी जाती तो A T + VT³ हो जाना था। हो सकता है ये क्वेश्चन आया हुआ ये वाला आपका आ जाए, या दोनों का सम अप आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोज आइंस्टीन कंडेंसेशन का है, मे अकर फॉर ए क्लास ऑफ पार्टिकल्स। बोज आइंस्टीन कंडेंसेशन कौन से पार्टिकल्स के लिए होती है, ये बोजोन के केस में होती है,
कि टी इक्वल टू जीरो पे भी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, दैट इज़ आवर बोर्स आइंस्टीन कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, बोजोन्स और फर्मियोन्स दोनों ही इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं, जबकि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने क्या बोला था कि जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्टिंग्विशेबल हैं, और लेकिन स्पिन का डिफरेंस होता है फर्मियोन्स में और बोजोन्स में। बोजोन्स में क्या होता है, इनडिस्टिंग्विशेबल है प्लस इंटीग्रल स्पिन है, लेकिन फर्मियोन्स क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल है तो हाफ इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स हैं। ये ए ऑप्शन होता तो फर्मियोन्स का आंसर, अगर क्वेश्चन में फर्मियोन पूछा जाता तो ए ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे क्या आएंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल है और इंटीग्रल स्पिन है, सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमीटर है nth रिंग का न्यूटन्स रिंग अरेंजमेंट में, वो कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 1.2 से 1 सेंटीमीटर, वेयर एयर इज रिप्लेस्ड बाय ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। डायमीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, dn से। गिवन क्या है, डायमीटर 1.2 सेंटीमीटर, म्यू क्या है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1 होता है। यहाँ पे आप क्या कह रहे हो कि एयर को रिप्लेस कर रहे हो ट्रांसपेरेंट लिक्विड से, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम हेयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड म्यू डैश, dn डैश क्या है, 1 सेंटीमीटर है, जो कि चेंज हो गया है डायमीटर अब 1.2 से 1, तो dn को आप 1.2 कह रहे हो तो dn डैश हो गया 1 सेंटीमीटर। अगर डार्क रिंग हमें मिलनी है तो क्या फॉर्मूला होता है, dn स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एन लैम्डा r बाय म्यू, वेयर r क्या है, रेडियस ऑफ प्लेन ऑफ कन्वेक्स लेंस, dn डैश स्क्वायर क्या है, 4 एन लैम्डा r बाय म्यू डैश। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कीजिए 2 से, dn स्क्वायर बाय dn डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट है तो ये जो कैंसिल आउट हो गए, म्यू डैश बाय म्यू, dn की वैल्यू क्या है 1.2, dn डैश है 1, म्यू डैश रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 था तो म्यू डैश की वैल्यू आ गई 1.44। लिक्विड का कितना हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44। यहाँ से आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है, dn स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एन लैम्डा r बाय म्यू, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम का, n जो है नंबर ऑफ कितने डार्क रिंग्स वगैरह हैं, एल लैम्डा क्या है वेवलेंथ है, r क्या है रेडियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे वैसे बेसिकली ये फॉर्मूला भी आता है, बीटा लैम्डा डी बाई डी फ्रिंज विड्थ निकालते हो आप यहाँ से, और डी डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, डी होता है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट, बीटा फ्रिंज विड्थ निकालने को बोल दिया जाए, या ये भी हो सकता है यहाँ से कोई पैरामीटर दे दिया जाए, डी दे दिया तो स्मॉल डी बोल दिया जाए, बीटा भी गिवन है, लैम्डा भी, डी भी, स्मॉल डी, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। या फिर आपके पास आई वन प्रोपोर्शनल होता है किसका, विड्थ स्क्वायर होता है, वो भी पूछा जा सकता है आपका। अब ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी गिवन है, उस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 6 है, आई नोट मैक्सिमम इंटेंसिटी है, आपको रेशियो निकालनी है आई बाई आई नोट, 3/4, हाफ, 3/2, 1/6। आई क्या होगी किसी भी पॉइंट पर, आई नोट इंटू कोस स्क्वायर 5/2। आई किसी भी पॉइंट पर निकाल रहे हो, आई नोट मैक्सिमम इंटेंसिटी है, फाई आपके पास फेज डिफरेंस है वेव्स के बीच में, तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हो आप यहाँ से, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, 2π/λ, लैम्डा बाई 6 आपको गिवन है क्वेश्चन में, पाथ डिफरेंस क्या आ गया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट होकर π/3, फर्स्ट इक्वेशन से आई नोट कोस स्क्वायर 5/2 यानी 5π/3/2, कोस स्क्वायर π/6 आ गया, आई नोट कोस π/6 क्या होता है √3/2, ये 30 डिग्री बन गया, यहाँ से क्या हो गया √3/2 होल स्केयर आई नोट इंटू 3/4, सो आई बाई आई नोट की रेशियो क्या, ये आई के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 3/4। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, और यहाँ से आप याद रखिए आई क्या है, आई नोट क्या है, पाई क्या है, सॉरी फाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसवर्स नेचर है, तो वो किसने बताया था, कौन से फिनोमिना से, पोलराइजेशन से पता चला था, ये पहले भी एमडी वाले पेपर्स में आया हुआ है। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, एन ई नोट एक्सपोनेंशियल ऑफ आईटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, एन पोलराइजेशन वेक्टर है, के प्रोपेगेशन वेक्टर है, तो मैग्नेटिक वेक्टर कैसे निकालोगे, अगर आपको इलेक्ट्रिक वेक्टर की वैल्यू पता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल दोगे, 1/c इंटू के इंटू ई, के क्या है प्रोपेगेशन वेक्टर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, 1/c से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जस्ट कंसेप्ट बेस्ड है, ट्रांसवर्स वेव्स हैं जिनकी वाइब्रेशन क्या है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, ऑल डायरेक्शंस में है, परपेंडिकुलर टू देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है लाइक प्लेन ऑफ पेपर होती तो वो पोलराइज्ड हो जानी थी, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या कह रहा है, सभी डायरेक्शंस में, सो अनपोलराइज्ड लाइट इज राइट आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके, इससे आप एक बार जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो जो मैं सॉल्यूशन डाल चुकी सबको रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि मैंने 17 का डाल दिया है, 19 का मैं डाल रही हूँ,
21 का डाल चुकी, 18 का डाल चुकी। इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके बेसिक कंसेप्ट जरूर होगा, सेम नहीं पूछे जाएंगे, तो एज इट इज़ नहीं होंगे। फॉर्मूला लाइक आपका यहाँ यूज़ हो रहा है, तो हो सकता है जैसे अभी मैंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बात की, तो आपके पास फेज डिफरेंस अलग दे दिया जाए या पाथ डिफरेंस अलग दे दिया जाए, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे ये हो सकता है आपको के दे दिया जाए, ई पता हो तो आपको बी निकालने को बोला जाए। ओके, थैंक यू।